हेलो एवरीवन, आज हम बात करें डिफ़िकल्टीज़ इन मेजरमेंट एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत को मापने में जो कठिनाइयाँ हैं और क्रिटिसिज्म ऑफ कंज्यूमर सरप्लस की बात कर रहे हैं। तो देखिए, उपभोक्ता की बचत को मापने का जो सूत्र हमने बात की, जिस सूत्र की, उसको देखकर तो हमें पता लगता है कि उपभोक्ता की बचत को मापना बहुत ही ईजी है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अनेक ऐसे इकोनॉमिक्स हैं, जैसे हम बात करें निकल्सन, गोबी, टाजिंग, इन्होंने उपभोक्ता की बचत की जो धारणा है उसकी बहुत सी आलोचनाएं प्रस्तुत की हैं और उनके अकॉर्डिंग यह कंक्लूजन निकला है कि इस विचार की जो मान्यता है वो अवास्तविक है और यह विचार सैद्धांतिक दृष्टि से सही नहीं है। इसे मुद्रा पे नहीं मापा जा सकता। क्लियर? तो इसके मापने में जो कठिनाई है हम उसकी बात करते हैं। फर्स्ट है, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, उपयोगिता की माप नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि ये मानते हैं कि उपयोगिता क्या है, एक मनोवैज्ञानिक विचार है और इस पर आधारित होने के कारण यह अमूर्त है, इसको देखा छुआ नहीं जा सकता, इसलिए इसे मुद्रा के रूप में नहीं मापा जा सकता। लेकिन प्रोफेसर मार्शल ने इस बात को खारिज किया और उन्होंने बताया कि पूर्ण माप तो नहीं कर सकते, परंतु माप जो है वो पूर्ण माप के लगभग मुद्रा माप अवश्य कर ली जा सकती है। दूसरे रूप में ये कह सकते हैं कि मुद्रा रूपी पैमाने के अतिरिक्त आर्थिक जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ है, उनको मेजरमेंट करने का अन्य कोई हमारे पास साधन नहीं है। वास्तव में मनी मेजरमेंट ही अधिक सही और खरा है। क्लियर? सेकंड, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज नॉट कांस्टेंट, ये मानते हैं कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता समान नहीं रहती। देखिए, उपभोक्ता की बचत को मापने के लिए यह मान लिया जाता है कि मनी की मार्जिन यूटिलिटी की, जो मनी की मार्जिन इकाई की यूटिलिटी संपूर्ण विनिमय प्रक्रिया में क्या मानते हैं, समान रहती है। लेकिन वास्तव में, एक्चुअल में यह स्थिर नहीं रहती, क्योंकि वस्तुओं के क्रय पर जैसे जैसे हम मनी की यूनिट्स व्यय करते हैं, वैसे वैसे हमारे पास मनी के जो हमारे पास जो भंडार होता है उसमें धीरे धीरे कमी हो जाती है और शेष जो हमारे पास मनी रह जाती है उसकी मार्जिन यूटिलिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी लागू हो जाता है और उपभोक्ता की बचत को माप करना कठिन होता है। नेक्स्ट, द होल डिमांड शेड्यूल ऑफ द कमोडिटी प्राइस इज नॉट नोन टू द कंज्यूमर, उपभोक्ता मांग मूल्यों की संपूर्ण तालिका को नहीं जानता है। देखिए, उपभोक्ता की बचत की माप का आधार वह सेक्रीफाइस है जो वस्तु की विभिन्न यूनिट्स के लिए वह करता है, परंतु इसे मापना कठिन है क्योंकि इस बात से वह पूर्णतः इग्नोर रहता है, उसको पता नहीं होता कि उपभोग वस्तु जो कंज्यूम कर रहा है, जो वस्तु उसकी विभिन्न यूनिट्स हैं, जितने भी यूनिट्स उसने उपभोग की हैं, उसका कितना कितना मूल्य दे सकेगा। वास्तव में उसे मूल्य की टोटल जो मांग तालिका है उसका ज्ञान नहीं होता। पहले वह तोल मोल करता था तथा फिर मांग का काल्पनिक अनुमान लगाता है। और प्रोफेसर मार्शल ने संबंध में यह मत प्रस्तुत किया है कि प्रत्येक उपभोक्ता को मूल्य से होने वाले जो मिनिमम जो उतार चढ़ाव के मांग पर पड़ने वाले प्रभाव का पूरी तरह से ज्ञान अवश्य होता है। क्लियर? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, देखिए यह मान्यता अव्यावहारिक है कि इसमें यह माना गया है कि वस्तु के सब्स्टिट्यूट नहीं होते, जबकि समस्त स्थानापन और पूरक वस्तुओं को एक ही मांग तालिका के अंतर्गत मान लेना भी भ्रामक है। बाजार में वस्तुओं के अनेक स्थानापन सब्स्टिट्यूट उपलब्ध होते हैं जो उपभोग वस्तु के मूल्यों में हेरफेर आने पर आसानी से प्रयोग में लाए जा सकते हैं और आवश्यकता की जो संतुष्टि की जा सकती है। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं और ऐसा नहीं मानते कि उनके सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, एवरी कम्योडिटी इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स, प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तु से स्वतंत्र नहीं है। कुछ वस्तुएं एक दूसरे की पूरक होती हैं, एक वस्तु का उपभोग करने के लिए दूसरी वस्तु का उपभोग अवश्य आवश्यक होता है। दूसरे, उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु पर जो एक्सपेंस किया गया जो मनी की मात्रा है, उसे वस्तु के उपभोग की इच्छा के साथ साथ इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वह अपनी इनकम में से अन्य वस्तुओं पर कितनी कितनी राशि को व्यय करेगा। एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं कि भोजन सामग्री, जो भोजन हम कर रहे हैं वो बहुत महंगी होने के कारण आय का मैक्सिमम जो पार्ट है वो अनिवार्य आवश्यकता जैसे भोजन पर एक्सपेंड हो जाता है और अन्य वस्तुओं जो है, जैसे मान लीजिए वस्त्रों के उपभोग की संपूर्ण आवश्यकता की संतुष्टि करना न होने के से वस्तु के उपभोग से प्राप्त जो उपभोक्ता की बचत है वो बहुत कम हो जाती है। इस प्रकार ठीक ठीक से माप संभव नहीं है। मेजरमेंट ऑफ टोटल
कंज्यूमर सरप्लस ऑफ ए मार्केट इज डिफिकल्ट, बाजार में समस्त उपभोक्ताओं की बचत को मापने में कठिनाई। देखिए बाजार में जितने भी जो कंज्यूमर्स हैं उनकी आय, रुचि, कहेंगे नेचर, फैशन आदि में डिफरेंस होता है, ये स्वाभाविक भी है। और एक विद्यार्थी की बात करें तो इकोनॉमी की बुक के लिए पर्याप्त मूल्य देने को तैयार होता है, जबकि एक जो अंगीठी जलाने के लिए रद्दी के रूप में काम में जो महिला ले रही है उसके लिए इसका बहुत मूल्य देने को तैयार होती है। चीज़ एक ही है कि इकोनॉमिक्स की बुक है वो एक विद्यार्थी के लिए ये तो बहुत ही उपयोगी है, जबकि जो एक रद्दी जो अंगीठी में जला रही है उसके लिए उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, तो वो कम मूल्य देगी। इस प्रकार एक जो धनी विद्यार्थी है, धनी स्टूडेंट है, उसी पुस्तक के लिए अधिक मूल्य देने को तैयार होता है, जबकि एक निर्धन जो छात्र है वो उस पुस्तक के लिए कम मूल्य देने को तैयार होगा। परंतु वास्तव में दोनों ही एक ही बाजार मूल्य देते हैं। इस प्रकार धनी और निर्धन व्यक्ति की अपेक्षा उपभोक्ता की बचत अधिक प्राप्त होती है। क्लियर? धनी को निर्धन की अपेक्षा उपभोक्ता की बचत अधिक प्राप्त होती है, अतः बाजार में समस्त उपभोक्ता की बचत को मापना बहुत ही कठिन कार्य है। तो इस प्रकार भिन्नताओं के प्रभाव के कारण एक दूसरे के प्रभाव द्वारा ही समाप्त हो जाते हैं। क्लियर? कंज्यूमर सरप्लस फ्रॉम नेसेसरी इज इन इनडिफाइनाइट एंड इनफाइनाइट। अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकताओं अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तुओं से उपभोग की बचत अनिश्चित व अनंत होती है। देखिए उपभोक्ता अनिवार्य वस्तुओं की पूर्ति के लिए अपना सब कुछ लगाने को तैयार होता है, क्योंकि वो अनिवार्य होती है। जैसे मरुस्थल में प्यास से मरता हुआ व्यक्ति पानी के एक ग्लास के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार होता है, वह जानता है कि अगर जान है तो जहान है। इसी प्रकार समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए उपभोक्ता कुछ भी बलिदान दे सकता है, अतः इन वस्तुओं की उपभोक्ता की जो बचत है, जो सरप्लस है, वो अनिश्चित वो अनंत होती है। नेक्स्ट, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर कंज्यूमर सरप्लस फ्रॉम लग्जरी एंड गुड्स ऑफ प्रेस्टीज। ऐसी कुछ वस्तुएं हैं, जैसे हम बात करें हीरे, ज्वेलरीज, मूल्यवान साड़ियाँ, कार, स्कूटर आदि ऐसी हैं जिनसे क्या है उपभोक्ता की प्रेस्टीज होती है। इसका जितना अधिक मूल्य होता है उतने ही उनको अच्छा माना जाता है, उतने ही धनवान इसके उपयोग में समर्थ होते हैं। और इस अवस्था में उपभोक्ता की बचत क्या होती है, बढ़ जाती है। कारण, क्योंकि उपभोक्ता अधिक गौरव जो मतलब प्रेस्टीज के साथ साथ अधिक संतुष्टि का आभास करता है। क्यों? क्योंकि ये मानता है कि अगर मैंने ये लिया तो मुझे बहुत ही संतुष्टि होगी, क्योंकि मेरे क्या समाज में एक प्रेस्टीज बनेगी। इन वस्तुओं के मूल्यों में कमी आने से जनसाधारण में इनका उपयोग करने में समर्थ हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब उपभोग मनी कम हो गई तो छोटे लोग भी, जिनकी बात करें निर्धन लोग भी, इनको लेना शुरू कर देते हैं। तो इस कारण जब नीचे वाले लोग इसको लेना शुरू कर देते हैं तो धनी वर्ग जो होता है इसमें इनका आकर्षण खत्म हो जाता है और उपभोक्ता की जो बचत है उनकी कम हो जाती है। इसी प्रकार ऐसी वस्तुओं का उपभोग भी बचत अनिश्चित होती है जिसे मापना संभव नहीं है। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर्स गुड्स, उपभोक्ता की बचत के विचार की आलोचना। देखिए उपभोक्ता की बचत की जो कल्पना है वो कल्याणकारी अर्थशास्त्र का एक आधार है, परंतु कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसकी बहुत ही आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि उपभोक्ता की बचत की कल्पना को काल्पनिक, असत्य, अवास्तविक, भ्रामक और अव्यवहारिक बताया है। और ये जो क्रिटिसाइज किया है वो ये बताया है कि उपभोक्ता की बचत की अवास्तविक मान्यता तथा मापने में जो कठिनाइयाँ हैं उनके कारण की गई हैं। अब क्या क्या आलोचनाएं की गई हैं, क्या क्या ऐसे क्रिटिसिज्म है, देखिए। सबसे पहला है अनरियलिस्टिक अजम्पशंस, अवास्तविक मान्यताएं। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता की बचत की जो मान्यताएं हैं वो अवास्तविक बताई हैं, जो व्यवहार में दिखाई नहीं देती। जैसे उपयोगिता मापने नहीं है, उपयोगिता को माप नहीं सकते। मुद्रा को की जो मार्जिन यूनिट है उसकी क्रय शक्ति सदैव स्थिर नहीं रहती। कोई भी वस्तु ऐसे वह एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, वस्तुओं के सब्स्टिट्यूट होते हैं और वस्तुओं को एक ही श्रेणी में रखना सही नहीं है। सेकंड, दिस कंसेप्ट इज इमेजिनरी एंड इम्प्रैक्टिकल। अब ये माना है कि जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से काल्पनिक और अव्यवहारिक है। क्लियर? क्योंकि ये कि उपभोक्ता की बचत जो है उसमें ये मानते हैं कि उपभोक्ता
जैसे जैसे वस्तु की कईयों को कंज्यूम करता है वो उतने ही उसको देने को तैयार होता है जितने की उसको उतनी ही प्राइस देने को तैयार होता है जितने की उससे मार्जिनल यूटिलिटी बराबर नहीं रहती। लेकिन मार्शल ने इस आलोचना के उत्तर में यह कहा है कि जब हम दो देशों के पड़ोसियों के रहन सहन की तुलना करते हैं तो इस विचार की धारणा का सहयोग के लिए तुलना नहीं कर सकते। कारण जैसे इंग्लैंड में 100 पौंड के उपभोग से भौतिक वस्तुएं प्राप्त की जा सकती हैं उतनी मिड अफ्रीका तथा अन्य जो अविकसित देश है उसमें 1000 पौंड वस्तु क्रय करने पर भी उपलब्ध नहीं हो सकती। इसी प्रकार दो अवधियों के मध्य जो इकोनॉमिक समृद्धि है उसकी तुलना करने पर भी यह विचार सहायक होता है। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट अ कंज्यूमर कैन पे एंड व्हाट ही रियली पे बोथ आर द सेम। एक उपभोक्ता जो कुछ देता है दे सकता है और वास्तव में जो देता है दोनों समान होते हैं। जो आलोचक हैं इसके, जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस नियम को, वो ये मानते हैं कि उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए जो कुछ देता है इसमें जो कुछ वो पे कर रहा है उससे अधिक नहीं दे सकता। क्लियर। उपभोक्ता की जो है इनकम वो स्थिर है, लिमिटेड है, उससे अधिक वह कई वस्तुएं और उससे उसे कई वस्तुएं खरीदनी होती हैं। यदि उसे कोई वस्तु बाजार भाव में नहीं मिलती है तो वह क्या करता है, उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट पर चला जाता है। क्लियर। तो इस तरह अंत में उपभोक्ता की जो बचत है वो शून्य हो जाती है। अगर उपभोक्ता संपूर्ण आय जो कि हम ये मानते हैं स्थिर रहती है तथा संपूर्ण उपभोग को ध्यान में रखें तो यह हमें यह पता लगता है कि प्रत्येक वस्तु के लिए उसका जो संभावित जो एक्सपेंस कर रहा है, जो एक्सपेंडिचर कर रहा है उस पर और जो एक्चुअली व्यय करता है दोनों बराबर होते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि ऐसे उपभोक्ता को ले लेते हैं जिसकी मान लीजिए मनी इनकम है वो 500 रुपीज़ है। क्लियर। और वह 450 रुपीज़ अन्य वस्तुओं पर व्यय करता है और 50 रुपीज़ किस पे कर रहा है, क्लोथ पे व्यय करता है। जब वह 450 रुपीज़ अन्य वस्तुओं पर व्यय कर चुका है तो वह वस्त्रों के लिए केवल कितनी व्यय कर रहा है, 50 रुपीज़। अतः क्लोथ्स के लिए जो उसने व्यय किया वह जो खर्च करना चाहता है वास्तव में जो खर्चा करता है दोनों बराबर है क्योंकि उसके पास बचे ही कितने हैं, 50 रुपीज़ ही बचे हैं, इससे ज़्यादा उसके पास है ही नहीं क्योंकि वो अन्य वस्तुओं पे खर्च कर चुका है। अतः वस्त्रों से उपभोक्ता की बचत क्या है, शून्य होती है। क्लियर। इस तरह से संभावित व्यय और वास्तविक व्यय का अंतर जो समस्त वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में शून्य नहीं होता वरन अलग अलग वस्तुओं के लिए सेवा के संबंध में शून्य हो जाता है। इसका यह कारण है कि उपभोक्ता किसी वस्तु की किसी भी मात्रा के लिए जो मूल्य चुकाने को तैयार होता है और वह वस्तु की सभी इकाइयों की उपयोगिता को ध्यान में रखकर ही उसके द्वारा निश्चित किया जाता है। नाउ नेक्स्ट, देयर इज नो फाइनाइट रिलेशन बिटवीन यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन। कि जो उपभोक्ता है उसकी उपयोगिता और संतुष्टि के बीच में निश्चित संबंध नहीं होता। कुछ लोग ने हैं जिसने मार्शल की जो इस मान्यता उसको ठीक नहीं माना है कि उपयोगिता और संतुष्टि के बीच निश्चित संबंध होता है। उपयोगिता इट मीन्स संभावित संतुष्टि व संतुष्टि के बीच में निश्चित संबंध स्थापित करना ठीक नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं, इसे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि हमने बाजार में ठेले वाले से 1 किलो आम खरीदे, ठीक है, और आम 5 रुपये में, यह सोच कर खरीदते हैं कि उसकी उपयोगिता 5.5 के बराबर है। रुपीज़ कितने रुपए किलो है, 5 रुपये है, और हमने ये माना कि जो उसकी यूटिलिटी है वो 5.5 रुपये है, परंतु खाने के बाद हमें पता लगता है कि ये तो खट्टे हैं। इस प्रकार उसकी जो यूटिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, 4.5 हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो प्रति किलो से मिलने वाले जो कच्चे आमों के बराबर है। अतः हमें 50 रुपये, जो 50 पैसे या रुपये की बात करें कि बराबर उपयोगिता की बचत के स्थान पर क्या हो गया, हमें तो लॉस हो गया। क्लियर। जो 5.50 होने चाहिए थी वो कम हो गई है। तो अतः उपयोगिता और संतुष्टि में निश्चित संबंध स्थापित करना ठीक नहीं है। व्हेन ए कंज्यूमर बाय एडिशनल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी द यूटिलिटी नॉट ओनली ऑफ दिस यूनिट्स डिक्लाइन बट द यूटिलिटी ऑफ अर्लियर यूनिट्स ऑल्सो डिक्लाइन। क्लियर। कि अतिरिक्त इकाइयों लेने से न केवल इसकी उपयोगिता बढ़ती है बल्कि इसके पहले की सभी इकाइयाँ भी की उपयोगिता भी बढ़ जाती है। देखिए
जो प्रोफेसर पैटर्न है उन्होंने ये बताया कि उपभोक्ता जो जो उपभोग वस्तु की अधिकाधिक कंज्यूम करता है उसी गति से जो पहले जो उसने यूनिट कंज्यूम की उनकी उपयोगिता धीरे धीरे गिरती चली जाती है और लास्ट में सभी यूनिट्स की उपयोगिता लगभग क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और दूसरा, अतिरिक्त इकाई जो हम क्रय करते हैं उपभोक्ता की उस वस्तु की मांग सारणी में क्या होता है, चेंज आ जाता है और उपभोक्ता की बचत की मान्यता भ्रामक हो जाती है। क्लियर? नाउ कंज्यूमर सरप्लस इज टेम्परेरी, उपभोक्ता की बचत अस्थायी होती है। मूल्यों में उतार चढ़ाव आने से उपभोक्ता की बचत में चेंजेज आ जाते हैं और मूल्यों के बढ़ने पर यह कम हो जाती है। तो उपभोक्ता की इनकम, रुचि, फैशन और समाज में जो चेंजेज आ रहे हैं उनके कारण उपभोक्ता की बचत भी चेंज हो जाती है। लेकिन उपभोक्ता की बचत में चेंजेज आने से उपभोक्ता की बचत की धारणा ज्यों की त्यों बनी रहती है, इस धारणा का खंडन कहाँ होता है? जो परिवर्तनशील युग है उसमें परिवर्तनों की कल्पना न करना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ तो चेंजेस आते ही हैं। क्लियर? नाउ मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज डिफिकल्ट। जैसा कि हमने देखा कि उपभोक्ता की बचत इतने कंज्यूमर सरप्लस को मापना बहुत कठिन है। इसके पैमाने में मनी की मार्जिनल यूटिलिटी के क्या मानते हैं कॉन्स्टेंट नहीं होने से स्थापन वस्तु की उपस्थिति, वस्तु की स्वतंत्र न होने और अनिवार्य आवश्यकता की वस्तु की उपभोक्ता की बचत में अनंत होने से, प्रतिष्ठा और वस्तु की बचत अधिक होने से बहुत ही कठिनाइयाँ आती हैं। क्लियर? तो ये मेजरमेंट कठिन है। तो अब कंक्लूजन के रूप में हम कह सकते हैं कि आलोचना के आधार पर हम ये मान सकते हैं कि उपभोक्ता की बचत का विचार कुछ वास्तविक मान्यताओं पर आधारित होने के कारण काल्पनिक और अव्यवहारिक है, परंतु यह केवल कुछ सीमा तक ही सत्य हो सकता है। कारण व्यवहारिक जीवन में भले ही हम पूर्ण गणना करके उपभोग न करते हों, फिर भी हर बार यह अनुभव में आता है कि हम वस्तु या सेवा का कंज्यूम करने से पूर्व उसकी उपयोगिता अवश्य माप लेते हैं, कुछ उसको जान लेते हैं। हम किसी वस्तु के उपभोग से वंचित नहीं रहने की अपेक्षा उसके लिए वास्तव में अधिक मूल्य देने को तैयार होते हैं। इस प्रकार संभावित अधिकतम व्यय तथा एक्चुअल व्यय में काफ़ी अंतर होता है और यह अंतर ही उपभोक्ता की बचत का आधार है। क्लियर?